ये जो है एक्चुअली ये टीना है। बजट को तो पंडाल कर्नाटक का विधानसभा बन रहा है जो कि इस बार काफी यूनिक थीम बन रहा है। तो फ्रेंड्स दुर्गा पूजा बस अब कुछ ही दिन रह गया है, यानी कि कुछ दिन, जैसे कि 10-12 दिन और बाकी है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं आसनसोल, और आसनसोल में जितना भी फेमस पंडाल है उसको कवर करने आ गए हैं। तो जितना भी आसनसोल का फेमस पंडाल है वो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जैसे कि जगह का नाम आप लोगों को बता दें, कल्याणपुर, अपकार गार्डन, फिर राधानगर एथलेटिक क्लब, रविंद्रनगर, जितना भी फेमस पंडाल है आसनसोल का वो इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी ब्लॉग आए तो आप लोग को नोटिफिकेशन जा पाए। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और अपने फैमिली अपने फ्रेंड लोग से शेयर ज़रूर करें। तो चलिए गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं आसनसोल का फेमस पंडाल। तो फ्रेंड सबसे पहले अभी हम लोग आ चुके हैं कल्याणपुर। चलिए दिखाते हैं सबसे पहला पंडाल कल्याणपुर का, आखिर यहाँ क्या चीज़ का थीम बन रहा है वो अंदर जाके पता चलेगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहे। तो देख सकते हैं गाइस बाहर से जो स्ट्रक्चर है, दो गोल जैसा पिलर बनाया हुआ है, बांस का काम जितना भी है वो कंप्लीट हो चुका है और अंदर में काम चल ही रहा है। तो अंदर में जाके दिखाते हैं आप लोगों के आखिर कितना काम कंप्लीट हो चुका है और क्या मटेरियल यूज हो रहा है और क्या थीम बन रहा है वो चलिए अंदर जाके आप लोग को दिखाते हैं पर्दे के पीछे। तो जैसे कि देख सकते हैं अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं, अंदर में कितना काम हो चुका है। एक्चुअली यहाँ का जो थीम है वो कठपुतली के ऊपर थीम बनाया जा रहा है। तो थीम का क्या नाम है वो उनसे पूछते हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। और बैकग्राउंड देख सकते हैं काफ़ी सारा काम हो चुका है, अभी भी कितना खूबसूरत लग रहा देख के। तो कंप्लीट हो जाएगा तो कितना खूबसूरत लगेगा वो आप लोग सोच सकते हैं। और ऊपर का सीलिंग देख सकते हैं कि लकड़ी काट काट के जो जोड़ करके लगाया गया है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है देख के। और धागा का काम किया गया है, उधर देख सकते हैं धागा को जोड़ जोड़ के लगाया गया है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। और यहाँ पे एक दो हाथ बना हुआ है, तो ये हाथ कहाँ लगने वाला है ये तो कंप्लीट होने के बाद पता चलेगा। तो आप लोग यहाँ आए और देखिए आखिर कहाँ लगेगा। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे स्टेज बनाया हुआ है, यहाँ पे माँ प्रस्थान होने वाली है, यहाँ पे जो है मूर्ति लगने वाला है। और इधर अंदर आके आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग का सबसे पहला पंडाल आप लोगों ने देखा। लोकेशन यहाँ का मैं बता दूं कि कल्याणपुर सिम 2 नेताजी स्पोर्टिंग क्लब, वहाँ पर ये आना है, यहाँ पंडाल आप लोग को देखने मिलेगा। और आप लोग को अगर ढूंढने में प्रॉब्लम होगा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ का लोकेशन भी दे दूंगा कि कौन कौन सा पंडाल दिखा रहा हूँ आप लोग का। हर जगह का लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख के आ सकते हैं। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट पंडाल में, यहाँ के जो दूसरे पंडाल है वो आप लोग को दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आ चुके हैं कल्याणपुर का दूसरा पंडाल, कल्याणपुर आदि दुर्गा पूजा कमेटी के पास। तो जैसे कि पीछे देख सकते हैं यहाँ का थीम आप लोग को बता दें कि यहाँ का थीम का नाम है अंतरालय, बंगला में है, थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रहा अंतरालय। यहाँ एक्चुअली थीम में एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा, क्योंकि अंदर में जाके आप लोग को वो देखने को मिलेगा कि आखिर फेस जोकर जो होता है उसके ऊपर ये थीम बनाया गया है। तो चलिए बिना बोलते हुए सब कुछ आप लोग को आँख के सामने सब कुछ आप लोग को आपको दिखाई देते हैं अंदर जाके। तो देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड लगाया गया है और सारे डिटेल्स लिखा हुआ है इस बोर्ड में, आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो देख सकते हैं थीम बाहर से क्या लुक है।
अभी कितना काम हो चुका है, कितना काम बाकी है, अभी सब में लगने वाला है फेस या फिर जोकर का फेस, वो सब लगने वाला है। तो देख सकते हैं अभी हम लोग अंदर में आ चुके हैं और ये जो है एक्चुअली ये टीना है, टीने के ऊपर ये कपड़ा लगाया हुआ है काला कपड़ा, और उसके ऊपर लगाया जाएगा फेस का जो भी फ्रेम बनाया गया है अंदर में वो लगने वाला है। तो वह तो कम्प्लीट होने के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअल लगने क्या वाला है। तो आप लोग को बस दिखाने आए हैं कि आखिर कैसा पंडाल कितना रेडी हो चुका है, वो सब आप लोग को दिखाना है। तो कंप्लीट होने के बाद एक फाइनल वीडियो भी आएगा, तो आप लोग ज़रा भी घबराए नहीं, फाइनल वीडियो भी आप लोग को दिखाएंगे कंप्लीट होने के बाद। यहाँ देख सकते हैं अंदर में ये फेस सारा लग चुका है और ऊपर में लगना बाकी है, अभी ऊपर काम कंप्लीट नहीं हुआ। और अभी लोहा का देख सकते हैं, लोहा का बनाया हुआ फ्रेम है, ये लगने के बाद ही फेस लगेगा। तो कितना सारा फ्रेम आया वो आप लोग देख सकते हैं, सारा लोहा का ही फ्रेम है। और यहाँ पे जो है माँ प्रस्थान होने वाली, जो कि मूर्ति यहाँ पर आ चुका है और इस पर भी काम बाकी है, पेंटिंग वगैरह काम यहीं पे हो रहा है, मूर्ति यहीं पे बन रहा है और यहीं पे काम हो रहा है। और यहाँ देख सकते हैं सारे स्टैचू जो फ्रेम है फेस का वो यहाँ रखा गया है, जो कि चिपकाया जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कल्याणपुर आदि दुर्गा पूजा कमेटी का पंडाल इस बार क्या बन रहा है वो आप लोग को दिखाएँ। और ऊपर भी देख सकते हैं अभी यहाँ काफ़ी काम बचा हुआ है, काफ़ी काम हो भी चुका है। तो आप लोग को चलिए अब दिखाते हैं कल्याणपुर के तीसरे पंडाल। तो अभी निकल चुके हैं हम लोग तीसरे पंडाल की ओर। आप लोग जैसे कि देख सकते हैं रास्ते में ये तीनों पंडाल कल्याणपुर में ही पड़ता है, तो आप लोग यहाँ आते हैं तो ये तीनों पंडाल आप लोग देख के ही जाना। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आ चुके हैं कल्याणपुर का तीसरा पंडाल, कल्याणपुर के सेक्टर में। तो यहाँ जैसे कि देख सकते हैं पंडाल, यहाँ का जो थीम है मैं बता दूँ आप लोग को थोड़ा सा कि यहाँ का जो थीम बनने जा रहा है वो प्रेशर के ऊपर है, यानी कि बंगला में बोला जाए तो चाप, जो किसी के ऊपर प्रेशर पड़ता है उसके ऊपर ये थीम बनाया जा रहा है। तो चलिए अंदर जाके देखते हैं कि कितना कम्प्लीट हो चुका है और कैसा बन रहा है पंडाल, और मिस्त्री काम कर रहे हैं अंदर में तो उनसे भी पता करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये किस बेसिस पर ये थीम बन रहा है। यहाँ पे जो भैया मिले हैं यहाँ के जो मिस्त्री है वो है, तो इनसे चलिए पूछते हैं आखिर थीम के बारे में, आखिर क्या बन रहा है थीम और ये कहाँ से आए हैं, कितने दिन से लगे, सब उनसे पूछते हैं। तो दादा अपना नाम की एक तो बोल रहे जयंत नास्को अपनी एखन करके अरे मिस्त्री मिस्त्री फीमेल मिस्त्री फीमेल मिस्त्री की थीम होने थीम एखनकार थीम हम मानुषे दैनन्दिन जो जीवन जो चाप जो प्रेसार प्रत्येक मानुषे जो थे সেই তার উপরে একটা অনুকরণ করে থিমটা তৈরি হচ্ছে। তো তুমি কোথা থেকে এসেছো তোমরা? আমরা কলকাতা থেকে এসেছি। কলকাতা সব মিস্ত্রি কলকাতা? সব কলকাতা। কতজনের টিম এসেছো এখানে? এখানে 15 জনের টিম আছে। 15 জন। তো মানে কতদিন থেকে কাজ করছো এটা? হ্যাঁ 2 মাস কাজ হচ্ছে। 2 মাস থেকে কাজ হচ্ছে। ওপেনিং কবে হবে বলতে পারবে? ওপেনিং মহালয়াতে। মহালয়াতে। ঠিক আছে। একটু বাজেট? বাজেট 15 লক্ষ টাকা। 15 লক্ষ টাকা। 15 লাখ। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। तो यहाँ देख सकते हैं कितना काम हो चुका है, सारा प्लाई लग रहा है, पतला पतला प्लाई लग रहा है, उसके ऊपर कुछ लगने वाला है और इधर मिस्त्री लोग जो है वो काम कर रहे हैं। यहाँ पे प्लाई कटिंग का भी काम चल रहा है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आ चुके हैं अबकार गार्डन में, और अबकार गार्डन आने का रास्ता आप लोग को बता दें कि अबकार गार्डन कोट बीएनआर से
जस्ट राइट लेना पड़ता है अगर आप आसनसोल तरफ से आते हैं तो, और अगर आप बड़ाकर होकर आते हैं तो लेफ्ट लेना पड़ेगा। तो आपको दिखाते हैं आप लोग को अबकार गार्डन में एक्चुअली क्या थीम बन रहा है वो, चलिए अंदर जाके दिखाते हैं। और यहाँ मिस्त्री लोग भी काम कर रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर क्या बन रहा है। चलिए अंदर जाके थोड़ा सिनेमैटिक व्यू आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे अभी अबकार गार्डन में यहाँ जो मिस्त्री मिले हैं तो वो अभी मेरे सामने हैं, तो उनसे चलिए कुछ बातें करते हैं और यहाँ के जो थीम बन रहा है वो इनसे जानते हैं। तो चलिए आप पहले बात करते हैं इनसे, उसके बाद आपसे बात करते हैं। तो अपना नाम की? कृष्णेंदु पात्रो। कृष्णेंदु पात्रो, अपनी एखन कर के हेड मिस्त्री? हेड मिस्त्री। तो एखन कर जे थीम होच्छे किसेर थीम होच्छे? थीम होच्छे गोरु गाड़ी होच्छे। गोरु गाड़ी, गोरु गाड़ी होच्छे। गोरु गाड़ीटा होच्छे बांस, थर्माकोल, फोम, বিভিন্ন আইটেম দিয়ে থিমটা তৈরি হয়েছে। থিমটার কিছু নাম আছে? হ্যাঁ, থিমটার নাম আছে। হ্যাঁ, কি আছে? গরু গাড়ি। গরু গাড়ি থিমটার নাম। হ্যাঁ, গরু গাড়ি। গরু গাড়ি। বাজেট কত হবে পান্ডালে? 14 লাখ। 14 লাখ, ঠিক আছে। আপনার কোথা থেকে এসেছো? মেদিনীপুর থেকে। মেদিনীপুর, সব মিস্ত্রি মেদিনীপুর? সব মেদিনীপুর। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। तो यहाँ देख सकते हैं बांस का जितना काम है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे अंदर में लोहा का स्ट्रक्चर बन रहा है। ये देख सकते हैं लोहा का स्ट्रक्चर, इसी के ऊपर शायद कुछ वैसा थीम बनने वाला है जो कि बैलगाड़ी जो होता है उसके ऊपर ये थीम बन रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे लोहा का एंगल लगाया जा रहा है, स्टेज के जैसे बनाया जा रहा है। और यहाँ पे जितना भी फोम का कटिंग है, ये एक्चुअली फोम का कटिंग करके उसके ऊपर कपड़ा लगा के प्लास्टिक फोम से डिजाइन बनाकर इसको सजाया गया है, और इसके ऊपर फिर कलर किया जाएगा। देख सकते हैं। और यहाँ पे स्टेज बनाया हुआ है जो कि फिक्स स्टेज है, सीमेंटिंग किया हुआ। तो यहीं पे माँ प्रस्थान होने वाली है, जो कि हर साल जैसे कि आप लोग देखते हैं यहाँ आते हैं कि यहाँ पे माँ रहने वाली है, और यहाँ स्टेज ये एंट्री पॉइंट है, इधर से आके इधर आप लोग दर्शन कर सकते हैं। और एक बात बता दूँ गाइस आप लोग को कि आप लोगों ने एक साइड का जितना भी पंडाल है वो इस वीडियो में कवर किए, जैसे कि कोर्ट BNR से राइट साइड, अगर आसनसोल से आते हैं तो राइट साइड लेना पड़ता है ये सब पंडाल देखने के लिए जितना भी अभी तक दिखाएं। उसके बाद अभी हम लोग चलते हैं लेफ्ट साइड में, यानी कि आसनसोल तरफ से आते हैं तो लेफ्ट साइड यानी कि साइड हो गया है आप लोग का कोट मोर और रविंद्र नगर और राधा नगर एथलेटिक क्लब, वो भी बाकी है तो इस वीडियो में वो भी कवर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो छोड़ के ना जाए क्योंकि और भी पंडाल दिखाने वाले हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पंडाल की ओर। अभी हम लोग आ चुके हैं कोट मोड़ में, जैसा कि देख सकते हैं पीछे पंडाल बन रहा है, और यहाँ का जो थीम है राजस्थान का सीन बन रहा है, यानी कि राजस्थान कल्चर का लेके सीन बन रहा है। तो चलिए दिखाते हैं अंदर जाके कि आखिर कैसा काम चल रहा है और क्या चीज़ का थीम बन रहा है। तो यहाँ पे बैनर लगा हुआ है, तो आप लोग बैनर देख के समझ सकते हैं, पॉज करके अगर आप लोग को बंगला आता होगा तो बंगला पढ़ सकते हैं कि आखिर क्या थीम बन रहा है और कौन सा जगह है। और यहाँ पे जो है माँ प्रस्थान होने वाली है, जो कि यहाँ भी फिक्स एक स्टेज बना हुआ है और यहीं पे माँ प्रस्थान होने वाली है। और पीछे देख सकते हैं कितना खूबसूरत एक बड़ा सा चक्र लगाया गया है, और ऊपर का काम देख सकते हैं सारा कुछ फोम, प्लास्टिक फोम यूज़ करके बनाया गया है पंडाल। और वो जितने भी मिस्त्री लोग देख रहे हैं सभी कोई जान पहचान वाले हैं यहाँ पे मेरे। तो यहाँ पे भैया मिले जो कि जान पहचान वाले ही है हमारे,
तो दीप नाम है इनका, हम इनसे पूछेंगे नहीं क्योंकि हम जानते हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं कि आखिर यहाँ का जो थीम बन रहा है वो क्या बन रहा है, क्योंकि यही जो है ऑनर, यहाँ का थीम जो डिजाइनर है वो यही है। तो चलिए भैया से पूछते हैं कि आखिर क्या थीम बन रहा है। थीम का नाम है राजस्थान शिल्पों का पोर्टमोर दुर्गा पूजा, तो टैगलाइन थीम का नाम देखे एक्टिव राजस्थान। तो इस थीम में क्या क्या देखने मिलेगा? देखिए राजस्थान का जो महल टाइप का काम होता है ना, वो सब काम काम वो हम लोग उठा के लाए हैं, उसे उसका भी काम है, और बाहर टैटू का काम होगा, ठीक है, फाइबर का पिलर का कुछ काम है। कितना बजट का पंडाल बन रहा है यहाँ पे? बजट तो कमेटी का आदमी बता सकते हैं, कमेटी बताए। बजट के ऊपर क्या होता है, काम के ऊपर काम होता है। तो कब ये ओपनिंग कब होगा? ओपनिंग होगा इन लोग का 5 तारीख। 5 तारीख को। तो जैसा कि जान आप लोग सुने, भैया बोले कि 5 तारीख को ओपनिंग होगा, तो आप लोग यहाँ ज़रूर आए क्योंकि काफ़ी बढ़िया थीम बनता है, और इस बार तो और भी यूनिक थीम बनने जा रहा है, जो कि देख सकते हैं पीछे सारा सामान रखा हुआ है। तो आप लोग ने देखा आसनसोल कोट मोड़ का पंडाल कि आखिर यहाँ पे क्या थीम बन रहा है। तो मैं जितना हो सके कोशिश कर रहा हूँ कि जितना शॉर्ट्स बनाने का, वीडियो मैंने वीडियो की शॉर्ट लेंथ में बनाने का। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं यहाँ का दूसरा पंडाल, दूसरा पंडाल क्या बन रहा है, थोड़ा आगे चल के आप लोग को दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आ चुके हैं रविंद्र नगर में, जैसे कि देख सकते हैं पीछे यहाँ का जो थीम, आप लोग को बता दें कि यहाँ का थीम कर्नाटका का विधानसभा बन रहा है, जो कि इस बार काफ़ी यूनिक थीम बन रहा है। तो चलिए दिखाते हैं यहाँ का सिनेमैटिक लुक और अंदर से भी व्यू दिखाते हैं आखिर कितना काम हो चुका है। तो देख सकते हैं पूरा बहुत ही बड़ा जगह लेके इस बार ये जो थीम बन रहा है, और ऊपर में पूरा बैनर लगा हुआ है आखिर यहाँ का क्या काम हो रहा है उसके ऊपर। और ये देख सकते हैं मैंने इस बार जगह थोड़ा ज़्यादा लेके बनाया। तो अभी हम लोग आ चुके हैं पंडाल के अंदर, अंदर का काम काफ़ी कम्प्लीट हो चुका है। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं अंदर में, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, लगभग 80% लगता है कि कंप्लीट हो चुका है। तो देख सकते हैं अंदर का काम कि कितना खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो लगाया गया है एकदम कांच के जैसा लग रहा है, लेकिन कांच है नहीं, कांच का जैसा लग रहा है। ये लाइट लगने के बाद और भी ये ग्लो करेगा और भी चमकेगा, तो आप लोग रात में आते हैं तो ये पंडाल काफ़ी खूबसूरत लगने वाला है। और यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे माँ प्रस्थान होने वाली है, और यहाँ पे जगह बनाया गया है। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा रविंद्र नगर का पंडाल, यहाँ पंडाल लगभग अंदर में इंटीरियर का जितना काम है वो कंप्लीट हो चुका है, बाहर का बस काम बाकी है, तो वो भी कंप्लीट हो ही जाएगा समय आने तक, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग को ये पंडाल कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स अभी हम लोग आ चुके हैं आसनसोल का लास्ट पंडाल दिखाने के लिए, जो इस वीडियो में कवर किए जितना भी पंडाल। तो अभी हम लोग आ चुके हैं राधानगर एथलेटिक क्लब, तो यहाँ क्या थीम बन रहा है चलिए आप लोग को दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही यूनिक पंडाल बनता है आसनसोल का, तो आप लोग यहाँ मस्ट आए। और यहाँ चलिए दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या थीम बन रहा है। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ का जो थीम है बहुत ही बड़ा जगह लेकर के बना रहा है एरिया, अंदर से एक बाउंड्री दिया गया है, देख सकते हैं पूरा बाउंड्री किया गया है और उसके अंदर में पंडाल बनाया गया है। तो चलिए अंदर दिखाते हैं आप लोग को कि आखिर क्या थीम बन रहा है।
तो जैसे ही एंट्री करिएगा पंडाल का, तो आप लोग को देख सकते हैं यहाँ पे एक पिलर जैसा बनाया गया है, गोल गोल सा शेप देकर। इसके ऊपर अभी काम होना बाकी है, अभी काम हुआ नहीं है। और यहाँ पे मेन पंडाल है, देख सकते हैं हाइट कि कितना हाइट है, और ऊपर में गोल जैसा बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये भी पंडाल देख लिया, जहाँ जितना भी पंडाल बना हुआ है आसनसोल एरिया में, वो सारा कवर कर दिए हैं इस ब्लॉग में। तो नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला है बनपुर एरिया का, कि जितना भी पंडाल बन रहा है बनपुर में, जितना भी फेमस पंडाल, एक्चुअली आसनसोल में काफ़ी सारा पंडाल बनता है, बहुत जगह पूजा होता है, लेकिन जो जाना जाता है फेमस पंडाल, टॉप पंडाल आप लोग कह सकते हैं, वो पंडाल को कवर किए हैं इस वीडियो में। तो ये आखिरी पंडाल दिखाए हैं आप लोग को, राधानगर एथलेटिक क्लब का। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, और आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।